Hello everyone, I am Dr. Ganeshka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So guys, in this video we will discuss about the impact of lockdown in our country. तो जैसे हमें पता है कि lockdown हो रखा है हमारा कई time से, और ये बातें भी कही जा रही होंगी, कई घरों में discuss भी की जा रही होगी कि lockdown है फिर भी positive cases आ रहे हैं. हम daily देखते हैं कि इतनी deaths हो गई हैं, इतने दोबारा new cases आ गया. तो इसी के बारे में ये पूरी video है कि लोगों के मन में जो ये बात है कि positive cases अभी भी आ रहे हैं lockdown होने की वजह से, तो वो क्यों आ रहे हैं, lockdown का क्या असर होने वाला है हमारी कंट्री के ऊपर, क्या उससे केसेस जो है वो कम होंगे या फिर आगे आते जाएंगे. तो एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आई है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन का ये जो इम्पैक्ट है, मतलब बेसिकली ये जो लॉकडाउन हुआ है इसका इम्पैक्ट हमें अभी 2 हफ्ते बाद पता चलेगा एक्सपर्ट्स के थ्रू. तो देखिए ये क्यों कहा गया है, बिकॉज देखिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है कोरोना वायरस का वो 14 डेज का है. इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, देखिए एक होता है वायरस, जब वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर होने के बाद 14 डेज या फिर कितने भी डेज के बाद हमें आएगा फीवर, फिर आएगा होगा कोल्ड, फिर आएगी खांसी. तो देखिए जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर हुआ और 14 डेज के बाद जब हमें सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, तो ये जो 14 डेज का टाइम होता है ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है. तो अभी ये जो न्यूज़ में हमको पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं कि इतने न्यू केसेस आ गए, वो कोई नए केसेस नहीं है, वो पुराने केसेस हैं जो कि लॉकडाउन से पहले लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे. तो इस वजह से अगर हमें लॉकडाउन को देखना है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, तो हमें सबसे पहले जो ये ओल्डर केसेस है इनको डिस्काउंट देना होगा, मतलब कि इन ओल्डर केसेस को हटाना पड़ेगा लिस्ट में. फिर जो न्यू केसेस आएंगे 4 अप्रैल के बाद या फिर 5 अप्रैल के बाद, उनको जज करके कि वो जो केसेस है वो घट के आए हैं, उतना ही सेम नंबर आ रहा है या बढ़ के आ रहा है, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हुआ है. तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि 2 हफ्ते के बाद जो है हमें लॉकडाउन का इम्पैक्ट पता चलेगा कि क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इंडिया के अंदर ये चीज़ देख रहे हैं तो जो पॉजिटिव केसेस की ग्रोथ हो रही है, मतलब कि जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो बहुत कम है. अगर हम इसको यूएस के साथ कंपेयर करते हैं तो हमने देखा था कि 8 मार्च को 541 केसेस 2 दिन के अंदर यूएस के अंदर आ चुके थे, और यही नंबर जो था वो 994 केसेस में बदल गया था, मतलब कि एकदम से डबल अप हो गया था. और एक ही हफ्ते के अंदर अगर हम लास्ट वीक की बात करते हैं तो 75% इंक्रीज़ हुआ था. तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो पॉजिटिव केसेस की ग्रोथ है वो कितनी स्लो है. तो उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो हम इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को भी देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जो इम्पैक्ट ऑफ स्लोडाउन है वो इसलिए किया देखा जाएगा कि क्या ये जो स्प्रेड ऑफ वायरस हो रहा है ये स्लोडाउन हो रहा है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड हमको पता है 14 डेज का है. तो अभी जो इतने भी केसेस हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि आज भी कोई केस आया है, तो जो 24 मार्च से पहले पर्सन इन्फेक्ट हो चुका है ये वो केस है. तो हमें ये देखने के लिए कि क्या वो जो केसेस है लॉकडाउन का इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें 4 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल का वेट करना होगा. उसके बाद जितने भी केसेस आएंगे उनसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन का वो पॉजिटिव है या नहीं है. तो फिर भी हमें लॉकडाउन को फॉलो करना है अच्छे से 14 अप्रैल तक, और अपने घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और जो भी मेडिकल गाइडलाइंस और गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ रही है उन्हें फॉलो करना है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.